अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एडवांस लर्निंग में एनिमेशन सीखेंगे, बिजनेस प्रोग्रेस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन कर लूँगा। लेआउट पे जाएंगे तो हम यहाँ से इसे ब्लैंक करेंगे। ब्लैंक करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे से फॉर्मल बैकग्राउंड में, सॉलिड फिल में जाके हम इसके ऊपर करेंगे सेकेंड थर्ड वाला ग्रे लाइट कलर कर देंगे। रिमूव करेंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ से अपना फाउंड लिख लेंगे, बिजनेस प्रोग्रेस। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को और शिफ्ट F3 से सेंट्रलाइज कैपिटलाइज कर लेंगे। यहाँ से सेंट्रलाइज करूँगा, फाउंड को बढ़ा के हम करेंगे इसे 60। इस कलर में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे इसे ऑरेंज कलर। इसके अंदर फाउंड में जाएंगे, CW सेंट एम्प्टी कर देंगे। सेंटर किधर करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे हम एनिमेशन पैनल में। एनिमेशन पैनल पे ऐड एनिमेशन, ऐड एनिमेशन में जाके मोर एंटर इफेक्ट, और यहाँ पे जाके मॉडरेट में बेसिक जूम में कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर हम इसके बाद हम एक लाइन ड्रा करेंगे, होम में जाएंगे, कर्व को सिलेक्ट करेंगे, एक कोने से स्टार्ट करेंगे, सेंटर में ला के एक दूसरा क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक कर्व बना देंगे। ये देखिए, ये हमारा कर्व बन गया है और हम इसे इस तरह लास्ट पे ले आएंगे। हम इसके अब जाएंगे, सबसे पहले इसके फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में क्लिक करके जाएंगे शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसके वेट में जाएंगे और इसके वेटेज में मोर लाइन पे जाके सही यहाँ से हम करेंगे 25। एरर बिगेन जो होता है हमारे पास, जो शुरू होना चाहिए, एरो का साइन दे देंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा सब ठीक है। अब हम जाके इसे कलर में फिल करेंगे, इसे ब्लैक कलर के साथ फिल कर देंगे। एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन पे क्लिक करके लिख करेंगे यहाँ से पहले वाइप और इफेक्ट उबा भी रहने देंगे, और इसे हम करेंगे आफ्टर प्रीवियस, ये करेंगे हम विद प्रीवियस। एनिमेशन पैनल में देखते हैं एक बार, हम इसे एक बार प्ले करते हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जो हमारे एयर्स हैं, जिस एयर्स के अकॉर्डिंग हमने अपना काम करना है, वो एयर ड्रा कर लेंगे। होम में जाएंगे, टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट ड्रा करते जाएंगे, ठीक हो गया। सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 32। यहाँ से सेंट्रलाइज करेंगे, इसी तरह हम इसी साइज की डुप्लीकेट कंट्रोल डी की मदद से बना लेंगे। ये हमारे पास आ गया कंट्रोल डी, एक हमारे पास ये कंट्रोल डी, ये हमारे पास आ गया कंट्रोल डी डी। देखिए, और एक हमारे पास ये हमारे पास हो गया। आपने ज़्यादा या कम बनाने होगा, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना लीजिएगा। यहाँ से जूम आउट कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि हमारे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ये हमारे पास है 2000 2005, ये हमारे पास आ गया 10, ये हमारे पास आ गया 15, ये हमारे पास आ गया 20, और ये हमारे पास आ गया 25। ये हमारे पास एयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मुझे लगता है शायद हमारे पास जो फाउंड साइज है वो ज़रा थोड़ा सा स्मॉल है। आप इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा।
40 साइज़ कर दिया मैंने सबका साइज़ जो है वो 40 कर दिया तकरीबन। अब हम इन्हें एनिमेशन देंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, एनिमेशन पैनल में जाते हैं, एनिमेशन में जाके हम यहाँ से करेंगे इसे फेड, फेड एनिमेशन करेंगे, और यहाँ से करेंगे हम इसे आफ्टर प्रीवियस, एक बार से प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक, किसी ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा एनिमेशन पेंटर, यहाँ से एनिमेशन पेंटर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। याद रखेंगे ये हमारी तरतीब ख़राब नहीं होनी चाहिए, अगर हमारी तरतीब ख़राब होगी तो हमारे पास ये काम सही नहीं होगा। यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज नहीं है, पेंटर पे जाके इसका फॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया। एक वैसे प्ले करते हैं, ठीक हो गई, यहाँ तक हमारा काम ठीक चल रहा है। प्रीवियस वाली फाइल में जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने जो हमारे कलर प्लेलेट्स है, कलर स्कीम है, कॉपी कर ली, और ये मैं नई स्कीम में लगा देता हूँ जो हम नहीं बना रहे। ये हमारे पास कलर स्कीम आ गई है। अब हमने एक स्मॉल सर्कल ड्रा करना है, इसे हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाके आउटलाइन, और आउटलाइन में हम करेंगे से ग्रे आउटलाइन कर देंगे, और इसके वेटेज में जाके थोड़ी सी आउटलाइन इंक्रीज कर देंगे। ठीक हो गया, अब हम इसे इस तरह कंट्रोल डी और भी सेव नहीं करते। अब हम इसे एनिमेशन देते हैं, इसके ऊपर जाएंगे एनिमेशन पैनल पे जाएंगे, और यहाँ से हम इसे देंगे बेसिक जूम, एक बार से प्ले करके देखते हैं, इसे करेंगे यहाँ से आफ्टर, आफ्टर प्रीवियस, और यहाँ पे हम इसे फाउंड अपना होम में जाएंगे, और यहाँ से हम करेंगे सेल परचेज, और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। कंट्रोल इसे सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साउंड साइज इंक्रीज कर देंगे, 40 30, सेलेक्ट करेंगे इसे, फाउंड साइज में जाएंगे, आई ड्रॉपर लेंगे, वो जो सबसे पहले वाला हम इसे, इसी तरह हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर जाएंगे, आई ड्रॉपर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इसकी फॉर्मेट, फॉर्मेट शेप फिल आई ड्रॉपर, और ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ड्रॉप हो गया। अब हम इसे करेंगे क्या, जो हमारे पास ये कलर आ रहा है इसे बोल्ड कर देंगे, एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन पे जाके ऐड एनिमेशन, एनिमेशन में जाके हम जाके से करेंगे यहाँ से बेसिक एनिमेशन, एनिमेशन में मोर एंटर्स, एंटर्स में जाके हमारे पास आ जाएंगे पीकिन करेंगे, और यहाँ से ओके कर देंगे, और हम इसे सॉरी कंट्रोल ए एनिमेशन पैनल, ये गलत हो गया, इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि सारे उसने अलग अलग इसे ऐड कर दिया। अब इसे क्लिक करेंगे, अब जाएंगे ऐड एनिमेशन पे, ये देखा अब उसने एक ही सारा सर्कल कर दिया, ओके कर दिया। इसे हम करेंगे आफ्टर प्रीवियस, अब इसे एक बार प्ले करते हैं, अब हम दोनों पे क्लिक करते हैं और इसे कॉपी करके बारी बारी सब पे करते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, हम चलेंगे 2015 पे। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा फॉन्ट साइज 2015 आ रहा है, इसकी इधर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
ठीक हो गया। अब हम इसके क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट में जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे, और बाकी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसी के ऊपर ऑलरेडी जो इनकी एनिमेशन है वो चल रही है। होम में जाएंगे, आईड्रॉप्स पे जाएंगे, और ये देखें मैंने इसका कलर स्कीम। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। अब इसी तरह मैं बारी बारी सारे कर लूँगा, ये हम करेंगे, ये क्लिक करेंगे और इसे इस तरह जाएंगे, फिर हम कंट्रोल डी, ये आ गया। बाकी मैं अभी ज़रा पॉज करके सारा कर लेता हूँ जी। देखें दोस्तों, मैंने ये सारा कॉपी पेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम एनिमेशन वगैरह नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज करेंगे। अब मैं फिर भी एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर स्कीम हमारे पास ये है। फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन, आई ड्रॉपर, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, न्यू एनिमेशन के साथ। अब देखें मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आप अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।